मैं अगर इद्दत में ना होती ना तो कान से पकड़ के लुबना को ससुराल छोड़ के आ जाती। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत बेबस हूं। काश तुम्हारे अम्मी जिंदा होते। अम्मी प्लीज ऐसे मत रोए, मेरा दिल दुख रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सामिया बेटा, तुम्हारे और लुबना के बीच में जो भी गलत फहमियां है ना, उन्हें दूर कर लो, अपना दिल साफ कर लो उसकी तरफ से। मैं जानती हूं कि गलती तुम्हारी नहीं है, तुम ठीक हो बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन लुबना तुम्हारी छोटी बहन है बेटा, तुमने उसे संभालना है। समझ रही हो ना मेरी बात? जी जी अम्मी, बेफिक्र हो जाओ, कुछ करती हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा, खुश रहो, आबाद रहो हमेशा। खुदा हाफिज। आप ही, आपकी चाय। ये अम्मी का मूड इतना ऑफ क्यों है? आपकी कोई बात हुई उनसे? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। मुझे लग रहा है तुमने जो अलग घर का मुतालबा किया ना, उसी की वजह से अम्मी का मूड खराब है। खैर, अलग घर मेरा शरई और कानूनी हक है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और वैसे भी फुरकान कौन सा अपने वालदेन का इकलौता बेटा है, अरसलान भाई रहते हैं ना उनके साथ। शुक्र है इस घर में किसी और को भी मेरी बातें समझ में आती हैं, वरना अम्मी ने तो मुझे एहसास ही दिला दिया है कि शायद मैं ही गलत हूं। मैंने सोच लिया था कि एक दो दिन में वापस चली जाऊंगी। हमारे माशरे की तो बात ही कुछ निराली। औरत अगर अपने हक के लिए बोलना चाहे तो उसे बदलिहाज, बदचलन, बदतमीज कह दिया जाता है। और अफसोस तो इस बात का है कि ऐसा करने वाले हमारे अपने होते हैं, बाहर के लोग तो बाद में आते हैं, सबसे पहला ताना हमें हमारे अपने ही देते हैं। जिजैन की बहुत याद आ रही है, तनी वो सही से खाता भी होगा या नहीं, उसका कोई ख्याल रखता भी होगा या नहीं। मेरी फोन पे बात हुई थी, कहने लगा कि बाबा सुबह दुकान पे जाते हैं और रात को आते हैं। तुम्हें तो उसकी दादी का भी पता है। औलाद औरत की ताकत होती है, लेकिन कभी कभार वही मोहब्बत औरत को कमजोर बना देती है। हाँ ये तो है, मजबूत से मजबूत इंसान भी कमजोर पड़ जाता है औलाद के आगे। तुम बताओ, फुरकान से बात हुई, वो आ रहा है? हाँ वो कह रहे थे कि दोपहर में आएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आएंगे। ठीक है, आप चाहिए।